आइए एक शायर को आपके बीच पेश करूं जो इस बात का सबूत पेश करेंगे कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है बल्कि खालिस हिंदुस्तानी जबान जो हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुई यही पली बड़ी परवरिश पाई और इस जबान ने परवरिश पाने के बाद किस तरह से आम हिंदुस्तानियों के जज्बे और हिंदुस्तानियों के एहसास का इजहार किया है इसका नमूना देखना है तो आइए एक मेहमान शायर का इस्तकबाल हमें करना है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे अखिल राज से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकयतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो चमन छोड़ के जा सकते हो। जनाबे अखिल राज माइक पर आ गए हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। सामईन हजरत, हमारे डायनेमिक लीडर जितेंद्र आवार साहब की सरपरस्ती, शमीम खान साहब, डॉक्टर मुमताज शाह, शानू पठान साहब, इम्तियाज साहब, इन सब की मेहनतें और आपकी मोहब्बतें। मैं शायद शुरू करता हूं अपनी बात। यहां संपत साहब भी मौजूद है, राहत साहब भी मौजूद हैं। असल में इन दोनों पिछले दो तीन साल से मीडिया को सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है और ये मीडिया वो है जो किसी को सर पर बिठा सकता है तो उसकी गर्दन भी उतार सकता है ये मीडिया। तो इस यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, आप मेरी तारीफ कर दिएगा। शुरू करता हूं सर, मुलाजा करिए। अर्ज करता हूं कि खफा जिस दिन हुई तो ये कनीजें मार डालेंगी, खफा जिस दिन हुई
अभी जो चुनाव हुए गुजरात में, वो एक बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से भाषण दिए, उनकी भाषा, उनकी जबान पे बात पेश करता हूँ। शेर मुलाजा करें, अर्ज करता हूँ कि तेरी रगों में शराफत का खून होता तो, तेरी रगों में शराफत का खून होता तो तरीके तेरे सड़क छाप के नहीं होते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। सड़क छाप के नहीं होते, वफा परस सिवा आपके नहीं होते, सियासी लोग सगे बाप के नहीं होते। क्या कहना, बहुत शुक्रिया।